Hello students, welcome back to our sixth lecture which is based on basic fundamental concept of chemistry. सबसे पहले थोड़ा बातचीत, उसके बाद आगे शुरू करेंगे टॉपिक. सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो कंपाउंड के फॉर्मूला पर बेस्ड था, जो कि हम लोगों ने उसे लिखा. और कुछ फॉर्मूला जो आज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्या अभी तक आप वो सारा फॉर्मूला मेमोराइज कर चुके या नहीं? क्योंकि सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, जो लोग भी ये सिक्स लेक्चर देख रहे हैं वो तभी इसे कंटिन्यू करे जब आप सब प्रीवियस लेक्चर का सारा ही टॉपिक कवर कर चुके हैं और सारा ही चीज आपको याद हो. नहीं तो मत देखिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है. फिर वही बात हो गया कि आप सिर्फ चीजों को देखना चाह रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि अभी तक नहीं आप पढ़े, सारा फॉर्मूला याद नहीं हुआ इवन कंपाउंड्स का वैलेंसी, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू आगे तभी कीजिए जब आप प्रीवियस लेक्चर का सारा चीज आपको याद हो जाए. तो फिर क्या होगा कि अभी जो भी चीज आज के क्लास में कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है वो सारा चीज जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे क्या कि आपको ऑलरेडी ये चीज मालूम चल रहा है, क्योंकि आप जो याद किए वो अप्लाई होने वाला है. हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई चीज को याद करते हैं और जिस दिन आप उसको अप्लाई करने लगेंगे, उस दिन आपको वो याद ऐसा हो जाएगा कि फिर दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा. इसीलिए आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग पहले वाला वीडियो देख लीजिए, और जो लोग अभी तक याद नहीं किए वो याद कर लीजिए. काफी टाइम आप लोग को मिल रहा है, फिर भी अगर याद नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा. फिर जैसे लेकर चलना चाह रहे हैं नहीं चल पाएंगे. ऐसे क्या होगा, कुछ ही स्टूडेंट्स टॉप पर पहुंच पाएंगे. अगर पूरे ग्रुप में झुंड में ऊपर पहुंचना है तो इसलिए सबको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक. और एक छोटा छोटा बात ये कि ये जो लेक्चर है ये आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए है, क्योंकि फंडामेंटल कंसेप्ट है तो ये हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं. दूसरी चीज ये कि बहुत जल्द सीबीएसई क्लास 9th आईसीएसई के भी लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, फिजिक्स के केमिस्ट्री के. अभी तो केमिस्ट्री हो रहा है, आईसीएसई में चांसेस है कि पहले फिजिक्स से स्टार्ट करें और 9th में भी स्टार्ट हो जाएगा. इवन साइंस एज वेल एज मैथ दोनों ही साथ हो जाएगा स्टार्ट, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. एक दो दिन के अंदर 9th का भी स्टार्ट हो जाएगा. सीबीएसई आईसीएसई दोनों को लेकर चलेंगे साथ में. हो सकता है अगर ऐसा हो तो दो दो लेक्चर्स दोनों बोर्ड के एक साथ प्रोवाइड करेंगे. कोशिश हमारा यही रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा चीज आप तक पहुंच पाए और आप मेहनत कर सके, ठीक है. तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग आज का टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो क्या है, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा और उसका वैलेंसी लिखा था. कुछ कंसेप्ट था जो कि आप लोगों ने उसे याद कर लिया होगा. तो कुछ कंपाउंड्स जो और तीन कंपाउंड मैं और लिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी क्या है ना कि जो थोड़ा सा जो फर्क पड़ जा रहा है सीबीएसई और आईसीएसई में, बस इतना सा ही कि आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा फॉर्मूला और ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन जो कंसेप्ट बताया गया है, फॉर्मूला कैसे बनता है और जो भी सारा चीज है, वो दोनों बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है. तो इसीलिए क्या, सीबीएसई को फोकस करते हुए जो उनके एनसीईआरटी में जितना फॉर्मूला का जरूरत है बस उतना ही लिख रहे हैं. इससे बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, इतना ही आप पढ़िए, सारा चीज कवर हो जाएगा. तो दो तीन कंपाउंड और लिख देते हैं जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा. जैसे कि सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा है वो है जिंकेट. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnO2 वैलेंसी 2-. सेकेंड कंपाउंड इज एल्यूमिनेट एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज AlO2. Its valency is -1. And the third compound is plumbate. And formula is
PbO2 valency is 2 minus. As you can see that 8, suffix is 8, 8 and 8. If you see the formula ZnO2 AlO2 PbO2, O2, 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 these are the similarities in these three formulas. और आप देख सकते हैं यहां पर वैलेंसी में बस थोड़ा सा फर्क. क्या फर्क? ये एलिमिनेट का सिर्फ वैलेंसी वन है, बाकी प्लम्बेट और जिंकेट का वैलेंसी जो है वो हमारा 2-2 माइनस है. आपके एनसीईआरटी बुक में जो है, जो दिया हुआ है वो है एलिमिनेट एंड जिंकेट, एक प्लम्बेट एक्स्ट्रा करके चल रहे हैं. ठीक है, बस ये हो गया. और कुछ ऐसा कंपाउंड है जिनका सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करना है, वैलेंसी का जरूरत नहीं है. क्योंकि क्या है, जब पहला चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो वहां पर बहुत सारे वर्ड इक्वेशन होंगे जिनको कि आपको सिंबल लगाकर उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. तो सो यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू राइट एनी इक्वेशंस. तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए. ग्लूकोज, द सेकेंड इज शुगर, चीनी जो खाते हैं आप, है ना. सॉल्ट का फॉर्मूला मालूम, कॉमन सॉल्ट जो घर में खाते हैं वो आपको मालूम होगा, NaCl, राइट. अभी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ना, इसको याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ग्लूकोज का और शुगर का. सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं. ये देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 एंड द फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11. ये जरूरी है, ग्लूकोज शुगर CBSE के सिलेबस में कोई भी ऐसे इक्वेशन में शुगर का कोई भी इक्वेशन नहीं है. ग्लूकोज है, कैसे ग्लूकोज का है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ग्लूकोज आएगा, फिर रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज आएगा. तो ये आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी याद कर लीजिए. इसको याद करने का एक जो तरीका है आपको जो सही लगता है आप कीजिए. जैसे ये देखिए, दोनों ही कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इन तीनों कंपाउंड को अगर लिखते हैं, अगर आप इसे क प्रोनाउंस करते हैं तो ये हो क्या गया, क हो. व्हाट इज क हो, मेरा क हो. तो कैसे याद करते हैं, कहो 6 12 6, कहो मतलब बोलना है, 6 12 6, कहो 6 12 6, इट मीन्स ग्लूकोज 6 12 6, कहो 6 12 6. ऐसे करके याद अगर करेंगे तो CHO में कहो 6 12 6 में, तो यहां C में आप 6 लगा दिए, H में 12 और O में 6. उसी तरह से नीचे कहो 12 22 11, कहो 12 22 11, ऐसे आप याद कर लीजिए. या अगर आपको ऐसे भी याद हो जाता है तो आप ऐसे भी कर लीजिए. जरूरी नहीं कि हर चीज में ट्रिक हो, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिना ट्रिक के बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं. जैसे बहुत स्टूडेंट कैसे याद किए हुए एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के नाम से ही याद कर लिए हैं जल्दी जल्दी में. जैसे अगर आप उनसे पूछेंगे एकदम जल्दी में बोलेंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बोलते ही चले जाएंगे. और कोई अगर ट्रिक से भी याद करे तो उनको भी टाइम लग रहा है, HeLeBe. तो ये क्या है ना, प्रैक्टिस पर है. आप कोई भी चीज अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपका जो बहुत फास्ट हो जाएगा सारा चीज, चाहे वो ट्रिक हो या ट्रिक ना भी हो, आपका जो मेथड आप उसको बड़ा फास्ट बनाइए. तो आपको जो सही लगता है वो क्या कीजिए, लोग क्या बोल रहे हैं वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आप जिस चीज में फास्ट आप उस चीज को कीजिए. तो ये दो कंपाउंड हो गया. अभी कुछ एसिड का नाम लिख देते हैं जो कि जरूरत पड़ेगा. नेम ऑफ सम एसिड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट
फिर वही बात, क्योंकि अगर स्टेटमेंट रहा कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉम्बाइंड विद सोडियम, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी तो आप इक्वेशन लिख पाएंगे। तो इसीलिए कुछ एसिड का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है, जैसे अगर स्टार्ट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, ठीक है, पहले सारे एसिड लिख लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूज नहीं है लेकिन यहां पर लिखे, तो इसके साथ में ही ये वाला लिख लेता है, सल्फ्यूरस एसिड। बता देंगे कौन कौन सा आपके सिलेबस में है, लेकिन जो थोड़ा यूज होता है ऐसे भी जानना चाहिए नॉलेज के लिए। देन नाइट्रिक एसिड, देन फॉस्फोरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, द लास्ट एसिटिक एसिड। एसिड विच आर इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, दिस थ्री एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड। ये बहुत यूज होगा आपके चैप्टर में, और ऐसे ये भी यूज होगा, लेकिन ये तीन बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर किसी भी इक्वेशन में सीबीएसई में सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड को बेहतर है कि यहां पर ना फॉस्फोरिक एसिड लिख लें, फॉस्फोरस भी है जैसे ये है ना, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस। तो जो आपको याद करना है, लेकिन ये है नहीं एक्चुअल में आपके सिलेबस में, मीन्स आपके किसी भी इक्वेशन में, तो फॉस्फोरिक बता देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉस्फोरस क्या होगा, है ना। तो पहले अब यहां पर क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नेक्स्ट सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, नाइट्रिक HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एंड एसिटिक एसिड CH3COOH। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, और ये सबका वैलेंसी नहीं होता है, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए आईसी एंड ओयूएस, अगेन वही कंसेप्ट, आईसी हाईएस्ट, ओयूएस लोएस्ट। तो आईसी में ऑक्सीजन हाईएस्ट 4, ओयूएस में ऑक्सीजन लोएस्ट मींस 3। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो सल्फ्यूरस क्या हो गया H2SO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये कोल्ड ड्रिंक्स में रहता, एसिटिक एसिड ये विनेगर में रहता है, HCl आपके स्टोमक पेट में आपके हैं, ये सब मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड बेसिन सॉल्ट चैप्टर में सारा एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एसिड था जिनका कि आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट जो चीज हमारा आज का टॉपिक, उस पर आते हैं, फॉर्मूला का काम खत्म हो गया, अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे उस टॉपिक पर आते हैं, जो कि क्लास 9th में पढ़े थे आप लोग, और वो अभी जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैक्सिमम चीज इसी चीज पर बेस्ड है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को आप कैसे लिखेंगे। तो जब तक फॉर्मूला ही नहीं आप बना पा रहे, या आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनता है, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा फॉर्मूला याद करना बहुत टफ है, और ये एकदम यूजलेस है, इस पर टाइम झूठ का कोई बर्बाद कर रहे हैं याद करने का, क्योंकि ये एक कंसेप्ट आप सीख लीजिए, क्योंकि अभी तक अगर जितना भी याद है ना, बन जाएगा सारा फॉर्मूला।
तो हम हेडिंग यहां लिख लेते हैं मेथड फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जांपल बड़ा सिंपल है, जिनको मालूम है बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा। जिसे कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके सिलेबस में है, यूज होगा। ये एक बेस है और इसमें ये मेटल है और ये कंपाउंड निगेटिव आयन है हाइड्रोक्साइड। तो अब फॉर्मूला लिखने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, या कैल्शियम कार्बोनेट हो, एल्युमिनियम सल्फेट हो, कोई भी फॉर्मूला हो, उसके एक ही बेसिक कंसेप्ट है जो आप अगर यहां सीख लेंगे तो फिर बाकी जो भी फॉर्मूला आएगा लिखने का आप आराम से लिख सकते हैं। कंडीशन ये कि आपको कंपाउंड का फॉर्मूला, एलिमेंट का फॉर्मूला और उनका वैलेंसी याद होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, इसका सिंबल लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर दोनों का वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे वैलेंसी वन या वैलेंसी वन। तो होता क्या है, जो भी वैलेंसी होता है ना, वो वैलेंसी क्या होता है, इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज मींस इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा और इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों का ही वैलेंसी वन है, तो फाइनली जो फॉर्मूला होगा वो Na और OH, क्योंकि वन को सो नहीं करते हैं। तो सिंपली क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन करके क्या हो गए, NaOH। वन यहां वैलेंसी आया, इसका वैलेंसी वन वहां गया, तो वन को सो नहीं करते हैं, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, NaOH। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अभी लिखते हैं यहां पर सोडियम से लेकर चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, फिर उसी तरह से इसका सिंबल वैलेंसी ऊपर लिख दिए, इसका फॉर्मूला वैलेंसी लिख दिए, टू माइनस इंटरचेंज करा देते हैं, ये इधर ये इधर, तो टू कहां आ गया, सोडियम के पास। तो सोडियम के पास जब आया तो आपको ये टू सोडियम के यहां नीचे साइड में यहां पर लिखना है। ठीक, वन अब यहां गया, वन को सो ही नहीं करते हैं, तो जो उधर का फॉर्मूला है वो लिख दीजिए। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अगर आप एग्जाम में या केमिकल इक्वेशन में इसको अगर आप लिख देते हैं NaCO3, तो आपका सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा, बैलेंसिंग गलत हो जाएगा, सब चीज गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये टू नहीं लिखने से सारा इक्वेशन ही गलत हो गया, मार्क्स ही नहीं मिलेगा। इस वजह से हम लोगों का टॉपिक ये रहा है, फंडामेंटल कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा। अब पूरे केमिस्ट्री में आप यही ब्लंडर करते रहेंगे तो आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे केमिकल इक्वेशंस ठीक नहीं होता है, इसके कारण से मार्क्स नहीं आता है, केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ इस टू के कारण केमिस्ट्री बोरिंग हो गया। और जो कि ये टू क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि याद ही नहीं है, तो बोरिंग तो खुद बन गया ना। तो इसीलिए छोटा छोटा चीज अगर याद रहेगा तो फिर अगर आपसे ये बनेगा हमेशा, आप यहां सही देंगे तो इक्वेशन सही होगा, रिएक्शन सही होगा, मार्क्स अच्छा आएगा, और ये केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो बस फर्क यही पड़ जाता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है ना, कि ये सारा चीज को ध्यान में रखना है, कोई बात नहीं, याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी भूलता है, मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है जो स्टोर ही रहेगा। अगर मैंने अगर ये सारा टॉपिक जो भी है, अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं पढ़ाऊं तो कुछ समय बाद मैं भी भूल जाऊं, तो ये रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, इस वजह से है ध्यान में, आप भी यूज करते रहेंगे, आपके भी माइंड में रहेगा। हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं तो उनको ज्यादा याद रहता है टीचर से भी, क्योंकि वो तो पूरा बुक पढ़ रहे हैं। सोचिए वो फिजिक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, बायो पढ़ रहे, इवन और भी चैप्टर्स, और भी सब्जेक्ट का चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और सारा चीज उन्हें याद है, तो ज्यादा मेहनत तो स्टूडेंट कर रहे हैं।
उनको तो सारा सब्जेक्ट का टॉपिक माइंड में रखना है। तो इसीलिए ये सारा चीज रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कंसेप्ट मालूम है तो उसके बाद सारा चीज हो जाता है। तो ये कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का तरीका, और कुछ एग्जांपल आपको यहां पर दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी देखिए एल्यूमिनियम का लोगों को सिंबल लिखना होगा, सल्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वैलेंसी दोनों का रिप्रेजेंट यहां पर करना पड़ेगा, 3+ ये याद होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं जो लोग नहीं याद किए हैं वो कर लीजिए, तभी ये वाला क्लास आप लोग देखें। 2- वैलेंसी इंटरचेंज, द वैलेंसी ऑफ सल्फेट गोज टू एल्यूमिनियम एंड द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम गोज टू सल्फेट। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। 2 जब एल्यूमिनियम के पास आ गया तो यहां पे 2, 3 जब यहां पर आ जाएगा, अब बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, यहां पर 4 है तो क्या करते हैं, यहां पर 3 लिख के 43 कर दें, ब्लंडर। अब क्या करें, 3 को लिखें कैसे, कोई बात नहीं, चीज बहुत आसान है, जानते नहीं तो दिक्कत है। ये देखिए SO4 है, अब ये जो 3 है ना, ये 3 सल्फर पे भी जाएगा, ऑक्सीजन पे भी जाएगा। तो आप इवन मैथ्स में जैसे करते थे ना, होल स्क्वायर देना है तो ऐसे करके होल स्क्वायर दे देते थे, तो यहां पर आप चाहते कि दोनों पर 2 आए तो ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने का मैथ कैसा, यहां पर होल स्क्वायर मत कीजिएगा, फिर ये ब्लंडर, ये 2 यहां पर होगा, सॉरी 3 है ना, तो 3 यहां पर होगा, समझ में आ गया। तो Al2SO4 होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एक एग्जांपल और, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से फॉर्मूला ऑक्साइड, आईडी कंसेप्ट याद कीजिए, बता चुके हैं। तो ये किससे आया, ऑक्सीजन से है, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला वही जो ऑक्सीजन का, और जो ऑक्सीजन का वैलेंसी वही ऑक्साइड का वैलेंसी, कैल्शियम का मालूम होना चाहिए 2+। अभी क्या करते हैं, यहां पर एक कंसेप्ट अगर ध्यान में रखिएगा, 2 इधर भी 2 इधर भी कॉमन अगर है, वैलेंसी अगर कॉमन है तो ये कैंसल हो जाता है, मींस 2 सेम वैलेंसी अगर आ गया इधर और इधर तो वो कैंसल हो जाता है और कुछ भी नंबर किसी पे भी नहीं लिखाता है। डायरेक्ट आपको यहां पर फॉर्मूला लिख देना है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि सेम वैलेंसी होने के कारण ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये होल पर जैसे ये आया, वो वाला भी सीख लिए, कॉमन वाला आया वो कैंसिल हुआ, वो वाला भी सीख लिए, अगर 2 है 3 है 2 एलिमेंट के बीच है वो वाला भी सीख लिए। तो इस तरह से देखिए आपको जो है फॉर्मूला लिखने का ये तरीका है, जो कि 9th में पढ़े थे, रिवाइज हो चुका होगा, चीज समझ में आ चुका होगा। तो इसीलिए अभी क्या करते हैं कि इस बेसिस पर बहुत सारा जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर फिर जो है बहुत सारा चीज जो है कवर हो जाएगा। यानी अब फाइनली हमारा ये जो टॉपिक है बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये अब लगभग ये टॉपिक खत्म होने वाला है। एक होमवर्क देकर छोटा सा चीज, थोड़ा सा चीज और, एक लेक्चर लास्ट हमारा होगा, उसके बाद फिर चैप्टर में आ जाएंगे, उसके बाद देखिएगा आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां से सेलेक्ट करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज यहां पर लिख देते हैं, ये देखिए यहां पर बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं टोटल 16 कंपाउंड है, और इन 16 कंपाउंड का आपको फॉर्मूला लिखना है, ये आपका वर्क है, होमवर्क है,
ये सारे ही जो नाम लिखे हुए हैं ये सभी के सभी कंपाउंड्स आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, सारे आपके सिलेबस के कंपाउंड हैं। अगर आप इन सारे कंपाउंड का फॉर्मूला लिख पाते हैं, देख कर नहीं याद कर कर अगर आप लिख पाते, मीन्स अगर आपको इन सारे एलिमेंटल कंपाउंड के फॉर्मूला और वैलेंसी मालूम है तो ही आप जाके इसका वर्क कंप्लीट करें। अगर आप ये सारा लिख पाते हैं तो ये सारा ही कंपाउंड देखिए आपके बुक में ही यूज है, तो रिएक्शंस जहां जहां होगा वहां पर आप ये सारे ही कंपाउंड का फॉर्मूला पहले से ही जान रहे हैं। और कुछ है कंपाउंड्स जो थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी 16 तक ही कीजिए, बाकी और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का क्लास का टॉपिक था वो यही था कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला को लिख पाए। तो आप यहां पर देख रहे हैं बस ज्यादा और मैक्सिमम चीज इसको लिखने के लिए बस क्या जानना है, फॉर्मूला कंपाउंड और आपको सिंबल एलिमेंट का वैलेंसी, और कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, फॉर्मूला लिखिए, वैलेंसी इंटरचेंज कीजिए, कॉमन वैलेंसी कैंसिल, जो अगर इधर दोनों में डिफरेंट है, टू है थ्री है, ट्रांसफर कराइए उसका वैलेंसी उसके नीचे, इधर वाला का वैलेंसी उसके नीचे। दूसरा चीज क्या कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें अगर कोई नंबर दे रहे हैं तो ब्रैकेट में देके होल देना है, होल करके उस पर देना है। अब वो मैथ्स के जैसा ऊपर नहीं देना है, होल स्क्वायर नहीं कर देना है, वो आपको ब्रैकेट के नीचे आपको वो नंबर लिख देना है ताकि फिर वो दोनों को ही मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर ये फॉर्मूला, इस सारे कंपाउंड का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आप फिर से मैच कर लीजिएगा और इसी तरह से सिंसियरली आप जो है काम को करते चलिए, चलते चलिए, और देखिए एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ये फॉर्मूला जो मेरा केमिस्ट्री में हमेशा से मुझे दिक्कत हुआ एग्जाम में, आपको अब नहीं होगा दिक्कत, मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट भी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स इसी सब चीजों में चला जाता है, जो कि अब अगर आपका अच्छा हो गया है तो अब आपको सिर्फ बाकी जो चीज है उस पर ध्यान देना है, बाकी बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। एक छोटा सा मैसेज लेक्चर्स के थ्रू ये है कि अगर आपके फ्रेंड हैं जो 10th में हैं, उनको अगर कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहा वीडियोस, या फिर वो कहीं से भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपना बहुत दिक्कत है, तो प्लीज अपने फ्रेंड का आप ऐसे समय में हेल्प कीजिए, या तो आप पढ़कर ही उन्हें पढ़ा दीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि वीडियो प्रोवाइड करा दें, जैसे भी हो उनको भी हेल्प कीजिए। क्योंकि जब आप हेल्प करेंगे ना तो उसमें क्या होगा ना कि आपका भी वो एबिलिटी बढ़ेगा, अगर आप खुद ही समझाएंगे उन्हें वो टॉपिक, तो आपका भी चीज क्या होगा रिवाइज होगा और उनको भी हेल्प हो जाएगा ऐसे टाइम में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए शेयर करने का भी जो है आदत डालिए, पढ़ाई में मैक्सिमम चीजों को शेयर कीजिए, इससे आपका भी अच्छा और जिनके साथ शेयर कर रहे हैं उनको भी अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस टॉपिक पर जो अब है हमारा 7th लेक्चर, लेकिन ये वर्क आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर जैसे ही केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट होगा फिर फिजिक्स में हम लोग आ जाएंगे, फिर और इधर आईसीएसई और क्लास 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का भी लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, मजा भी कीजिए, पढ़िए भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।